दबा के आया हूँ, तो आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूँ कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप मशीन की बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करें। ये मान लें कि इस बार फैजाबाद में सभी सीटें समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं, हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोग भूल मत जाना, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताओ ये बात भूल तो नहीं जाओगे? ये जहां विधायक चुनने हैं आपको, वही सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। और ये उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। देश में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। न केवल लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है बल्कि संविधान बचाने का भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। बताओ आप लोग लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब, और हमारे गुरु संत यहाँ बैठे हैं, सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं, आपके यहाँ भी कुछ संतों के नाम होंगे, सोचो चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है, और जिस समय वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता एबीसीडी सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे, ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये, इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं एबीसीडी। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, ले बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और काका मैं कहता हूं काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो इनसे अच्छा इनसे बड़ा झूठ तो नहीं बोलते। अगर इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और इनके बड़े नेताओं के भाषण सुनोगे तो बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये सरकार झूठ बोलती है कि नहीं बोलती? किसान भाइयों, आपसे वादा किया था
कि 2022 सरकार बनेगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों कितनों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ किसान भाइयों, यहाँ किसान भाई हैं, किसान भाइयों के परिवार के बेटे हैं, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो?